देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण तो बाड़मेर ज़िले के लिए ये था कि अभी क्योंकि समर सीज़न आ रहा है और पीने के पानी की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी विस्तृत समीक्षा प्रेक्टर साहब भी थे और जो संबंधित विभाग हैं PHED के, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे भी बात हुई है। उसमें किस तरह से इनको कंटिजेंसी प्लान समर सीज़न में तैयार करके रखना है, किस तरह से उसको क्रियान्वित करना है ताकि जो पब्लिक है उसको, जनता को समय पर जो आवश्यकता है पानी की, वो पूर्ति हो सके, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो उसमें जो पुराने हमारे रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, उनके पुनरुद्धार की बात की है, ट्रांसपोर्ट जो टैंकर्स हैं उनकी बात की गई है, और जो प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं उनको समय पर पूर्ण करने के लिए स्पष्ट निर्देश उनको टाइम फ्रेम बनाकर देने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो हमारे पास सप्लाई आ रही है, और अभी नहरबंदी की समस्या भी हमारे सामने रहेगी, तो उसको देखते हुए किस तरह से इन्होंने व्यवस्थाएं की है उस पर विचार किया गया है कि किस तरह से पॉन्डिंग करनी है, किस तरह से रिप्लेनिश करना है पानी को, कितना कितना किस तरह से, किस जो सुदूर गांव हैं उनमें पानी की कोई शॉर्टेज नहीं रहे उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। इसके अलावा मेन तो जो प्रोजेक्ट्स रनिंग है उनको हमने इनको कहा है कि टाइम से, जो किसी में सितंबर है, किसी में अक्टूबर है, किसी में दिसंबर, उसमें जितना जल्दी हो सके प्रीपोन करके उनको पूर्ण करवाने के लिए जो कंसर्न PHED विभाग के अधिकारी हैं उनको कहा गया है। इसी तरह नर्मदा से जो लिंक गुड़ामलानी वाला विलेज वाला जो प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, उसमें COVID-19 के जो अभी आपको पता है कि कुछ केसेज और बढ़े हैं प्रदेश में, उसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साहब ने एहतियाती उपाय सारे किए हुए हैं, फिर भी नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाना है, वैक्सीनेशंस की संख्या बढ़ानी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पूरी रखनी है, कोई मौसमी बीमारियों का है तो उनको ध्यान रखना है पुरानी एपिडेमियोलॉजी स्टडी करके, तो मेडिकल एंड हेल्थ का बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरे विभाग हैं उनमें भी जो उनके प्रमुख योजनाएँ हैं उनकी समीक्षा की गई है। SP साहब का जो ऑफिस है, SP साहब के प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात हुई है कि लैंड ऑर्डर का भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं रहे, कुछ केसेज स्पेसिफिक हैं उनके बारे में इनसे बात की गई। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक ट्वीट किया गया है जो पिछले 2 दिन से आंधी और तूफान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ उसके सर्वे के लिए, तो उसको देखिए, वो कलेक्टर साहब से उस बारे में डिस्कस हो चुका है सारा, और कलेक्टर साहब ने चूँकि आज ही हमारे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी लिए गए हैं, और कृषि जो हमारे प्रमुख शासन सचिव हैं उन्होंने भी इस संदर्भ में कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं, तो जो राज्य सरकार के निर्देश हैं वो जिला जो प्रशासन है तदनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पटवारी धरने पे बैठे हैं तो गिरदावरी को लेकर कितनी चुनौती चल रही है? देखिए, अभी जो इस समस्या का हल है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के लिए ऑर्डर्स आज हो गए हैं, तो उसके तहत कार्रवाई होगी और राज्य सरकार का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार देखेंगे।